सो टेल मी व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस इन दिस केस 125. उस दिन भी हमने बोला था ऑरली कैलकुलेट करेंगे 125 माइनस 25,000 इज इक्वल टू 1 लाख एंड इज टू बी डिवाइडेड विद 5 इट केम टू बी 20,000. हर साल 20,000 डेप्रिसिएशन लगेगा एंड सेम सीन आई हैव टू शो विद द हेल्प ऑफ डेट ऑफ परचेज ओनली आई विल रीड फ्रॉम द बुक. नाउ आई विल लीव द स्टेटमेंट क्योंकि जो मेरे को चाहिए आई रोट ऑन द बोर्ड आई कैलकुलेटेड इट डन. सो हियर बाय आई विल बी लिखा कुछ मशीनरी अकाउंट प्रिपेयर करो फॉर 5 years. 5 years ही लिखा है. चलिए जी लेट्स प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट. पहली लाइन क्या लिखी है? 1 अप्रैल 2013 को मशीन खरीदी थी. जब मशीन खरीदी थी तो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक हुआ था. ठीक. पूरा लेक्चर का फॉर्मेट डेट कॉलम के साथ सारे चैप्टर में है. यही फिक्स एसेट अकाउंट ही ऑलवेज आस्क फ्रॉम मी. दिस इज डेट. इसमें तो छोटा कॉलम बनता है. बनाया उसने आपकी बुक वाले ने जेएफ का कॉलम बनाया. So that also you can skip. ठीक. So this is what. अब मेरे से draw हो गया तो I will leave it blank. Particulars. This column is of amount. Debit side completed. Credit side में फिर से date का column. This is particulars. And amount. 125 का asset खरीदा था. Am I right? एंट्री बनेगी मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक और यहां पे डेट लिखना नहीं भूलेंगे 1 अप्रैल 2013 टू बैंक 1,25,000. साल बीता इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा. कितना डेप्रिसिएशन लगा? एंट्री क्या सिखाई थी डेप्रिसिएशन की? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी. मशीनरी अकाउंट में बना रही हूं. मशीनरी एंट्री में क्या हुआ? क्रेडिट. इट मीन की पोस्टिंग भी क्रेडिट साइड पे आएगी. लेजर पोस्टिंग आपको सिखाई हुई है बाय डेप्रिसिएशन. And date, don't forget to write. कहीं पे लिखा होगा company closes its books of accounts on 31st March. And depreciation is always being charged at the end of the year, right? So here is my end of the year, 31st March 14. आपको पता है जब financial year होता है तो 2 साल involve होते हैं. 13-14, 14-15, 15-16. अगर calendar year होता है तो 1 साल ही involve होता है, January से लेके December तक. हमारे school का session क्या है? Financial है कि कैलेंडर है? फाइनेंशियल है क्योंकि मैं अपने सेशन को भी क्या बोलती हूँ 21-22. ठीक है. यू आर डूइंग योर प्लस वन क्लास इन 21-22. गेटिंग इट? सो लाइक दैट वे यू हैव टू डिटरमिन इट बाय डेप्रिसिएशन. हाउ मच ऑलरेडी कैलकुलेटेड बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट साथ में लिखेंगे 20,000. नाउ 1-25 का खरीदा था 20,000 डेप्रिसिएशन लगना है. पहले साल के बिगिनिंग में क्लोजिंग बैलेंस बैलेंसिंग करते हैं ना लेजर की, वहां पे एक बार करके छोड़ देते थे. यहाँ पे हम 5 साल इसे कंटिन्यू करेंगे, राइट? दिस इज 1,25,000. जो साइड बड़ी है उसका टोटल दोनों साइड में लिखा करते थे. सेम प्रोसीजर आई एम फॉलोइंग. इस बीच में से माइनस किया बाय बैलेंस कैरी डाउन ऑन द सेम डेट 31 मार्च 1,05,000. एनी डाउट टिल नाउ टू एनीवन? कोई डाउट है किसी को? पहली लाइन में क्या लिखा है? मशीनरी परचेस्ड. आपने कल का लेक्चर नहीं अटेंड किया. मैंने बोला था 20,000 से जब कभी भी ज्यादा है वी अस्यूम द पेमेंट हैज बीन डन ऑनलाइन और बाय चेक. ठीक है. लैक्स में पेमेंट है तो कैश अलाउ नहीं करती हमारी डिजिटलाइज्ड सोसाइटी नाउ अडेज इवन. ठीक है. इससे पहले भी 20,000 से ज्यादा वाली पेमेंट हमेशा बैंक में होती थी. बुक में बैंक लिखा है बस. ठीक है, ठीक ही करवा रही हूँ मैं. फिर 20,000 से ज्यादा की पेमेंट हमेशा हम चेक के थ्रू करते हैं, करना प्रेफर करते हैं. ठीक है. So that's why I took it like this way. जो पिछले साल का बैलेंस है अगला साल कब बनेगा? 1 अप्रैल 2014. ठीक है. टू बैलेंस नोट डाउन. अब देखना प्रोसीजर कितना आसान होने वाला है. ये ओपनिंग बैलेंस लगाया और इस साल में कोई ट्रांजेक्शन हुई नहीं. ये साल बीता और डेप्रिसिएशन लगा. ठीक है. आगे कहां पे? 31 मार्च 2015 में 2015 पे पहुंच गए. ये लिखा मैंने सेकेंड ईयर 14-15 इज माई सेकेंड ईयर. By depreciation once again, depreciation amount is same because we are following straight line method. Done. It is going to be same 20,000. 1,5 में से 20 minus किया 85,000. Again both sides total is 1,05,000. 1,05,000. Second year का जो closing balance है, I will write it by balance carry down.
सेकेंड ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस है दैट इज गोइंग टू बी द ओपनिंग बैलेंस फॉर माई थर्ड ईयर. सो लेट्स प्रोसीड टू द थर्ड ईयर, देन आई विल एरेज एंड फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर आई विल बी राइटिंग एट द टॉप. चलिए जी, दिस विल बी फर्स्ट अप्रैल 15, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, डन. हाउ मच? 85,000. साल फिर से बीता, 31 मार्च 16 आया इस अब की बार, फिर से बाय डेप्रिसिएशन. हाउ मच डेप्रिसिएशन रिमेनिंग? सेम, बिकॉज अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड हर साल डेप्रिसिएशन हमारा क्या रहता है, सेम. बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 20,000. वैल्यू कितनी चल रही है? 85 में से 20,000 और डेप्रिसिएशन. व्हाट यू आर गेटिंग दैट एवरी ईयर द वैल्यू ऑफ द एसेट डिक्रीजिंग. This is what we call depreciation. And why it is going to happen? Because we are using it. It gets deteriorated quality wise. इसलिए उसकी value हर साल कम होती जा रही है. 65,000. इसके आगे क्या लिखेंगे? By balance carry down. So let's proceed to the fourth and fifth year. जो इस साल का closing है वो अगले साल का क्या बनेगा? Opening. इधर मैं लिख दूंगी बाय बैलेंस कैरी डाउन, अगले साल क्या लिखूंगी और वो कौन सा साल है? फर्स्ट अप्रैल 16, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. हाउ मच इट इज? 65,000, क्योंकि थर्ड ईयर के एंड में मेरे पास बैलेंस 65,000 था. साल बीता, 31 मार्च 17 आया, 17, 31 मार्च 17, फिर से डेप्रिसिएशन लगा. बाय डेप्रिसिएशन फिफ्थ ईयर का थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना. व्हाट आई विल डू, balancing figure 45,000, by balance carried on on the same day. I'm drawing the double line, that means ki dono side ka total same hai, aap total likh lena. Then on 1st April 17, fifth year, two balance brought down. How much? 45. 31 March 18, by depreciation 20,000. ye wo saal hai, ek line likhi hai, at the end of the fifth year the asset has been sold as a scrap. Likha 25,000, am I right? उस साल, इसी साल के एंड में मैंने इसे कबाड़ के भाव बेचा. जब कबाड़ के भाव बेचा तो एंट्री क्या हुई होगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड या कैश अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी. पुरानी मशीनरी को बेचा है. इधर यू कैन राइट एज अगेन द अमाउंट इज एक्सीडिंग 20,000, आई विल बी टेकिंग इट एज बाय बाय. ब्रैकेट में लिख दो सेल ऑफ स्क्रैप. What you find? Automatically दोनों साइड मैच होंगी और मैच होना बनता है क्योंकि एसेट अब आपके पास है ही नहीं. अब थोड़ा ना बैलेंसिंग फिगर दिखाओगे. फिफ्थ ईयर के एंड में तो आपने उसे कबाड़ के भाव बेच दिया. इट इज नॉट नाउ विद यू. कैन आई शो द बैलेंसिंग फिगर एट द एंड ऑफ द फिफ्थ ईयर? नो वे, बिकॉज आई सोल्ड इट आउट. एम आई राइट? सो दिस पॉइंट आई वॉन्टेड टू डिस्कस विद यू. सो वेन एवर यू आर सेलिंग इट, यस, बाय बैंक. हाँ, 65 है. हाँ, बाय बैलेंस कैरी डाउन इसके आगे लिखो. ठीक है जी, एनी डाउट? एनी डाउट टू एनीवन? मैंने बोला नहीं बनाना बुक में, नहीं बना. आप बताओ, लेजर बना रहे हैं तो किसका कॉलम बनाएंगे? बस फिर. हाँ जी, कोई लॉस, वी आर एट न्यूट्रल, ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं उसे. हाँ जी, उसके बाद कहता है इसी क्वेश्चन में, मशीनरी अकाउंट तो आपने बना दिया, नाउ यू प्रिपेयर डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 5 years. डेप्रिसिएशन, अगर डेप्रिसिएशन के अकाउंट में मैं एंट्री करूंगी, क्योंकि अगर मशीनरी के अकाउंट में मैंने बाय डेप्रिसिएशन लिखा है तो डेप्रिसिएशन के अकाउंट में टू मशीनरी लिखूंगी, साथ में बाय पी एंड एल क्लोज एवरी ईयर. सिखाया था आपको कल, एज एंड व्हेन वी चार्ज द डेप्रिसिएशन इमीडिएटली वी ट्रांसफर इट टू द डेबिट साइड ऑफ पी एंड एल अकाउंट. सो लेट्स प्रिपेयर इट. विल इट शो एनी बैलेंसिंग फिगर? No, because as and when you charge it, you transfer it to the profit and loss account. So let's prepare depreciation account in the same illustration. Depreciation account. First follow up, you can try yourself. Very easy, or itna easy aana nahi hai, because he want to establish the base of the chapter. So that's why he is teaching you. He started the chapter from very simple point. ऐसा नहीं आना, मैंने बोला है कॉम्प्लिकेटेड ही आएगा, वेयर बाय ही विल बी आस्किंग यू टू सेल ऑफ द एसेट एंड कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस एट द टाइम ऑफ सेल, राइट? बनाइए फॉर्मेट. हर साल 20,000 है. मैंने दोबारा स्टेटमेंट देखी है क्या? तीन लाइनें मेरे को चाहिए थी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मैंने बोर्ड पर लिख ली एंड आई रिटेन्ड दैट थिंग्स इन माई माइंड.
I never saw the statement again. और आपकी हैबिट और प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि बार बार स्टेटमेंट नहीं पढ़नी. जो चाहिए क्वेश्चन में से एक्सट्रैक्ट करिए, उसे लिखिए और क्वेश्चन करना शुरू करिए. दिस इज डेप्रिसिएशन अकाउंट. डेट ऑफ परचेज, अगेन इट इज इन माई माइंड दैट आई परचेज इट ऑन 1st April 13. डन. और आई चार्ज द डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट ईयर ऑन 31st March 14. डेट का कॉलम फिर से चलेगा. पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स अमाउंट. एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मशीनरी, दैट विल बी ऑन 31st March 14. टू मशीनरी कितना साल बीता ऑन द सेम डेट, पाई पी एंड एल अकाउंट. टोटल भी करने की जरूरत नहीं है, सिंगल आइटम में टोटल थोड़ा ना करेंगे, सिर्फ डबल लाइन लगाएंगे. एक से ज्यादा आइटम हो तब टोटल करते हैं, डबल लाइन इटसेल्फ मींस दोनों साइड का टोटल सेम. डन. क्या यहाँ पे कोई टू बैलेंस ब्रॉट डाउन या बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखूं? नहीं, क्योंकि पिछले साल का कोई क्लोजिंग ही नहीं था, तो अगले साल ओपनिंग क्या बनेगा. फिर से सेम रिपीट द एंट्रीज, बस साल चेंज हो जाएगा. टू मशीनरी बाय Can't you go forward for 5 years like this? अगले साल फिर से टू मशीनरी बाय पी एंड एल, टू मशीनरी बाय पी एंड एल, टू मशीनरी बाय पी एंड एल. इट्स डन. ऐसा क्यों? Who asked? ठीक है. What you want to ask? I can't answer the vague questions. हाँ. Depreciation is always to be charged at the end of the year. मैंने दोनों साइड पे 31st March लिखा है. Depreciation charge भी साल के एंड में होगा. जब चार्ज होगा तभी PNL में ट्रांसफर होगा. अगर चार्ज 31 मार्च को हुआ है तो साल के एंड में ही उसे PNL में ट्रांसफर करना है. और कल का लेक्चर अगर आपने लगाया होता और आप कॉन्शियस होते तो आपको पता होता. Every year at the end of the year we charge the depreciation on the same day we transfer it to the P&L account. P&L account में सारे खर्चे और सारी incomes transfer होती हैं in order to know the accuracy of my profit and loss. I am going to close down my books of accounts. साल के end में books of accounts close होते हैं और वही right time होता है सारे खर्चे और incomes को वहाँ पे transfer करने का. So this criteria you have to feed in your mind. Done. It is going to happen at the last of the year. सेकेंड फॉलो अप मैं करवाऊंगी. सेकेंड एलसेशन यू कैन सी योर सेल्फ. फिर से सेकेंड फॉलो अप में जो मेरा रिक्वायरमेंट होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने की आई विल राइट एट द टॉप. डन. आप पढ़ना शुरू करो मेरे से पहले. स्टार्ट रीडिंग एवरीवन. सुयश फॉलो अप सेकेंड पढ़ना शुरू करो सभी लोग. Follow up to भानुप्रिया कंपनी परचेज मोटर कार. अब की बार एसेट का नाम मशीनरी नहीं है, मोटर कार है. यस, डेट ऑफ परचेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज दिस टाइम 31st October 2016. डीओपी 31st October 2016. What is the rate of the depreciation in this case? 5%. Method का नाम क्या है? Fixed installment method. It's another name of straight line method. और कौन सा नाम है straight line method का? Original cost method. It is named as fixed installment method. It is named as straight line method. Any other name? Horizontal तो नहीं. Original cost है, straight line है, fixed installment है. तीन ही नाम है. ठीक है. 12 लाख का खरीदा है. हर साल आप 31 मार्च को अकाउंट क्लोज करते हो. वेरी इजी. ध्यान से सुनना. सी द बोर्ड एवरीवन. पहला साल 16-17 होगा, है ना? कितने सालों का पूछा? ओके, डन. दूसरा साल 17-18 होगा. तीसरा साल 18 और 19 होगा. मैंने क्लैरिफाई कर दिया. 5% डेप्रिसिएशन है 12 लाख की एसेट की कॉस्ट. पहले साल जब खरीदा ही अक्टूबर में है, क्या मैं पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाऊं? नो. नवंबर काउंट करना,
गलती मत करना, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, क्योंकि अक्टूबर के एंड में खरीदा है, अक्टूबर का डेप्रिसिएशन थोड़ा ना लगेगा, 5 months का लगेगा। ऑरली वैसे कैलकुलेशन हो जाती है, बट फॉर योर कन्वीनियंस आई विल बी कैलकुलेटिंग इट। पूरे साल का लगाती तो 60,000 बनता है ना, मैंने 5 महीनों का लगाना, 5/12, 5,000 आना बेटा, नहीं 25,000, 25,000 डन। पूरे साल का 60,000 है, 5 महीनों का 25,000 है। एनी डाउट टू एनीवन? शुड आई प्रोसीड टू द नेक्स्ट? पहले साल का डेप्रिसिएशन डेड श्योर 25,000, दूसरे साल का 60 ही रहना, क्योंकि वो तो पूरा साल मेरे पास है। तीसरे साल का 60 ही रहना, क्यों? बिकॉज एवरी टाइम आई कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, एंड ओरिजिनल कॉस्ट इज 12 लाख। पहले साल क्यों मैंने 25 निकाला? क्योंकि मैंने 5 महीने का निकालना था, आई मल्टीप्लाइड विद 5 एंड डिवाइडेड विद 12, दिस इज अ रूल। जितने महीनों का निकालना है उतने मंथ से क्या करो, मल्टीप्लाई, साल में जितने महीने उतने से क्या कर दो, डिवाइड। सो आने वाले 2 सालों में 60,000 ही रहेगा। नाउ ऑरली आई कैन टेल यू कि मशीनरी अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर कितनी आएगी, ध्यान से देखना कैसे। 60 ये 120, 25 ये 145, 12 लाख में से 145 माइनस कर लो ना, 10,55,000 आनी बैलेंसिंग फिगर। चेक करो क्लोजिंग बैलेंस कितना है एसेट का। ओके, इसने दिस इज नॉट सोल्ड इन आवर बुक बट वी नो इट, कहीं पे फॉलो अप का आंसर दिया होगा, चेक करो जरा, फॉलो अप का आंसर दिया, 1055 डन। सो हाउ इजी इट इज, दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ सिंपल मेथड। ठीक है, बाय कैलकुलेटिंग द टोटल डेप्रिसिएशन वी नीड टू डिडक्ट इट फ्रॉम द ओरिजिनल कॉस्ट, वी कैन हैव द बैलेंसिंग फिगर, that is 10,55,000. how I calculated it Krishberry? 10,55,000 मैंने कैसे और क्यों निकाला? हाँ नहीं, मैंने क्या बोला अभी कि 10,55,000 आंसर आएगा, वो क्या बोला मैंने? हाँ, कहने को 2 साल और 5 महीने मैंने एसिड यूज किया है ना, 2 साल और 5 महीने मैंने एसेट यूज किया, उसकी टोटल डेप्रिसिएशन निकाल ली, टोटल डेप्रिसिएशन को टोटल कॉस्ट में से माइनस किया, आई गॉट द बैलेंसिंग फिगर। सो बैलेंसिंग फिगर इज इन माय माइंड, नाउ आई हैव टू शो इट विद द हेल्प ऑफ अ लेजर अकाउंट, एम आई राइट? मेरे को एसेट का नाम रखना है मोटर कार, एंड आई एम गोइंग टू प्रिपेयर मोटर कार अकाउंट। आई नीड नॉट टू रीड माई स्टेटमेंट अगेन बिकॉज वॉट एवर वॉज रिक्वायर्ड आई रोट इट, आई कैलकुलेटेड इट। ठीक है, शुड आई स्टार्ट विद मोटर कार? सो एवरीथिंग इज माई माइंड, इन माई माइंड आई एम इरेजिंग इट। आपको भी ये सारी पहले कैलकुलेशन करनी है, फिर 100% गारंटी है कि लेजर अकाउंट इज गोइंग टू बी करेक्ट। मोटर कार अकाउंट, नाम खुद कॉलम्स के रखना, पहला पर्टिकुलर डेट, दूसरा पर्टिकुलर्स, देन अमाउंट, जेएफ आई एम लीविंग क्योंकि बुक में नहीं बना रहा वो। चलिए जी, पहले डेट लिखवाइए 31st October 16। कोई यहाँ पे 1st April नहीं लिखेगा because date of purchase is giving me in the question and every time it is going to be changed. It is not essential that every time you buy the asset in the beginning of the year. You can buy it at any time. फिर से two cash लिखूं? Motor, yes. Amount is in lump sum. Amount is in lakh, more than 20,000. So I will be writing it to bank. 12 lakh. साल बीता क्या आया? 31 मार्च 17 आया, 31st March 17 आया। मैंने इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाया, आर्यन ठाकुर, एवरी ईयर एट द एंड ऑफ द ईयर वी चार्ज डेप्रिसिएशन, सो दैट्स व्हाई आई रोट द डेट 31st March। एंट्री क्या हुई? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू मोटर कार, तो डेप्रिसिएशन की पोस्टिंग बाय वाली साइड पे हुई, बाय डेप्रिसिएशन। पहले साल का डेप्रिसिएशन अभी कैलकुलेट करवाया, 25,000 फॉर हाउ मेनी मंथ्स? एग्जामिनर को बता के आना यहाँ पे 5M, मैंने 5 months का लगा। जब कभी भी less than a year होगा, आपने एग्जामिनर को बता के आना for how many months you are calculating it. Done? So this is 25. बुक वाला करे या ना करे, we have to. Now, 12 लाख में से 25 माइनस किया, बैलेंसिंग फिगर ऑरली 1175 ऑन द सेम डेट, बाय बैलेंस कैरी डाउन, बोथ द साइड्स आर मैचिंग, 12 लाख 12 लाख। Is it clear to everyone? So after writing the closing balance, we will be bringing it as opening in the next year, and that is going to happen on 1st April 17.
हर साल 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है, इतना तो पता है आपको। टू बैलेंस हाउ मच 1175। साल बीता, इस बार पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगा एंड दैट इज 60,000 डन। 31 मार्च 17 के बाद 18 आया, बाय डेप्रिसिएशन 60,000 11 15 11 lakh and 15,000 by balance on the same date, drawing the double line means dono side ka total same, theek hai? Now bring it as forward balance, 1st April 18, two balance brought down 11 lakh and 15,000। साल फिर से बीता, 19 में पहुंचे, 19 में we will be charging the depreciation again 60। हां जी, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है, 1055 बाय बैलेंस कैरी डाउन। ड्रॉ द डबल लाइन विच इंडिकेट्स बोथ द साइड्स टोटल इज सेम। पैरेलल लिखना है एक दूसरे के, ये लाइन इसके बिल्कुल पैरेलल लगाना। मेरे पास स्पेस नहीं रहती तो मैं थोड़ा सा ऊपर लगा देती हूँ। अभी भी लेक्चर अकाउंट खत्म नहीं हुआ बेटे, क्या बोला मैंने? यस, फोर्थ ईयर के बिगिनिंग में ओपनिंग बैलेंस लिख किया, दैट इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ माई लेक्चर अकाउंट। दो ही आस्क इट फॉर 3 ईयर्स, बट फोर्थ ईयर के बिगिनिंग में उसे ब्रॉट फॉरवर्ड करके आना। एंड ब्रॉट फॉरवर्ड है हमारा 1st April 19 को, टू बैलेंस एंड नाउ वी विल लीव इट डन। एनी डाउट टू एनीवन? डू यू वांट टू आस्क एनीथिंग? बच्चे पहले ये, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई रोट इट ऑन द टॉप। डेट ऑफ परचेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैं हमेशा रिलेट करती हूँ इसको। मेरा डेट ऑफ बर्थ और आपका डेट ऑफ बर्थ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? डीओपी, डेट ऑफ परचेज। आई बॉट इट ऑन कितने महीने मैंने यूज किया, कहां से लेके कहां तक? एक मिनट, लेट हिम थिंक। बोलो, अक्टूबर से लेके, नहीं नवंबर से लेके, क्योंकि अक्टूबर के एंड में खरीदा। नवंबर से लेके मार्च तक जाना है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, इसलिए पहले साल 5 महीने का लगा, बाकी दोनों साल मैंने पूरा पूरा साल उसे यूज किया, दैट्स व्हाई फॉर फुल ईयर। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या लगाया मैंने? 12 lakh into 5% into 5 months डिवाइडेड बाय 12 months इन ईयर, दैट इज अ फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या बना? कॉस्ट ऑफ द एसेट इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू मंथ फॉर विच इट इज बींग यूज डिवाइडेड बाय number of months in a year, this is the formula। ठीक है, come at the back exercise question। okay, back exercise करने से पहले third illustration देखो। हाँ जी बेटे, इतना लंबा वैसे पूछेगा ही नहीं। हाँ, सात की लगेगी। नहीं, वो बेचने के बारे में सोच ही नहीं रही, वो डिस्कार्ड करने के बारे में सोच रही है। और फिर क्वेश्चन में थोड़ा सा वो ऐड अप करता है, क्या पता स्क्रैप वैल्यू की सेल बताता है ना। स्क्रैप वैल्यू की जब सेल बताता तो हो सकता है ऑटोमेटिकली दोनों साइड हमारी मैच हो जाती, फिर डेप्रिसिएशन लास्ट वाले में हमें लगाने की नौबत नहीं ना पड़ती, मैच ही हो जाता है ना। दैट डिपेंड्स अपॉन द स्टेटमेंट। ठीक, थर्ड का कुछ और ही है, और थर्ड जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू में आ सकता है। देयर बाय ही इज not giving you the percentage of depreciation, rather he is asking from you to calculate it ki kitne percent se depreciation laga hoga, so we will frame a formula, let's see। third illustration main karwati hu, follow up aap khud karoge ab ki baar, read it, try to get the statement। illustration number third, so let's see, an asset is purchased, अब की बार साल के बिगिनिंग में खरीदा, so CP cost of the asset, देखते हैं कैसे बनेगा फॉर्मूला, is 55, DOP is for your reference I am writing, हर साल SLM है, 10 साल लाइफ है एसेट की, what is the meaning of residual value, what is another name for it, scrap, done। रेसिडुअल वैल्यू 10 सालों के बाद कितनी मिलनी है? 5,000। आपसे पूछा है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पता करो और एसेट का अकाउंट बनाओ पहले 3 सालों के लिए, और एज्यूम करो हर साल कंपनी
अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स 31 मार्च को क्या करती है, क्लोज करती है। डन। जब कभी भी लाइफ दे रखी होती है, रेजिडुअल वैल्यू दे रखी होती है, मैं एनुअल डेप्रिसिएशन निकालती हूं। एनुअल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला लगवाओ। कॉस्ट इज 55 माइनस स्क्रैप इज 5, सो इट कम्स टू मी 50। अब रेट कैसे निकालना है, हर साल मतलब 5,000 लगना है। रेट कैसे निकालना है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय एनुअल डेप्रिसिएशन इनटू 100। एनुअल डेप्रिसिएशन गलत, उलट, परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है ना, तो डेफिनेटली डेप्रिसिएशन न्यूमरेटर बनाऊंगी, डेप्रिसिएशन की परसेंटेज निकालनी है ना। सो आई वाज रॉन्ग हियर, दिस वाज एनुअल डेप्रिसिएशन। सिंपल सा फंडा है बेटे, 5,000 डेप्रिसिएशन लगता है 50,000 के पीछे, 100 के पीछे कितनी परसेंटेज होगी, 10 ही होगी। सिर्फ उसे एक फॉर्मूला की डेरिवेशन में लिखना, क्या लिखूंगी, एनुअल डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट माइनस स्क्रैप इनटू 100। सो इट कम्स टू मी 5,000 डिवाइडेड बाय 50 आफ्टर डिडक्टिंग स्क्रैप इनटू व्हाट, 100, दैट कम्स टू मी 10%। एनी डाउट टू एनीवन? उसने पूछा ना बच्चे, उसने पहला क्वेश्चन यही पूछा, कैलकुलेट द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। मैंने बोला इट कैन बी आस्क्ड इन एमसीक्यू, क्योंकि डेप्रिसिएशन की न्यूमेरिकल करने के लिए तो मेरे पास डेप्रिसिएशन ऑलरेडी है, लेकिन एक नंबर उसने अगर इसका रखा है तो डेफिनेटली आई नीड टू कैलकुलेट इट। ठीक है, एक नंबर मान लो 4 नंबर में क्वेश्चन डालता है, 3 नंबर मशीनरी के और लेजर बनाने के और 1 नंबर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का, तो फॉर्मूला शुड बी इन योर माइंड, राइट। अगले में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पूछा, यस करो फॉलो अप थर्ड, करो डू फॉलो अप थर्ड ऑन योर ओन।